देशाची अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर असल्याचं नोटाबंदीच्या निर्णयाचं मोदींनी जोरदार समर्थन केलंय. तसंच घसरलेल्या जीडीपी बाबत होणाऱ्या टीकेला मोदींनी उत्तर दिलंय. युपीएच्या काळात 8 वेळा जीडीपी 5.7% खाली घसरल्याचा दावा मोदींनी केला. आवश्यकता असल्यास जीएसटीमध्ये बदल करणार असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितलंय. सर्व राजकीय पक्ष आणि व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींच्या सूचनांवर विचार करून आढावा घेतल्यानंतर आवश्यक ते बदल करण्यात येतील असं आश्वासन पंतप्रधानांनी दिलंय. और आज मैं इस मंच से फिर एक बात दोहराना चाहूंगा और आपके माध्यम से जल्दी पहुंचेगा कि बदलती हुई देश की अर्थव्यवस्था में अब ईमानदारी को प्रीमियम मिलेगा. ईमानदारों के हितों की सुरक्षा की जाएगी. मैं जानता हूं कि जो लोग मुख्य धारा में लौट रहे हैं ऐसे कुछ व्यापारियों के मन में एक डर रहता है कि कहीं ये नए कारोबार को देख करके पुराने की कल्पना कह करके पुराने रिकॉर्ड का तो नहीं खगोले जाएंगे. मैं फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं ऐसा नहीं होने दिया जाएगा. मैं आज जीएसटी के संबंध में भी कहना चाहता हूं. 3 महीने हुए हैं, 3 महीने के बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हर चीज को हमने भली भांति देखा है, बारीक से बारीक चीजों के फीडबैक लिए हैं. और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के लिए मैंने उनसे कहा है कि अब 3 साल हो गए हैं, हम पूरी तरह उसका रिव्यू करें और जहां जहां बॉटलनेक है, कठिनाई यहां है, व्यापारी आलम को दिक्कत है, टेक्नोलॉजी की दिक्कत है, फॉर्म भरने की दिक्कत है, जो भी दिक्कत है उसको एक बार रिव्यू किया जाए और सभी पॉलिटिकल पार्टियां, सभी सरकारें, क्योंकि सभी राज्य सरकार में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मिल करके इसको क्या बदलाव करने की आवश्यकता होगी उस पर करें. और मैं देश के व्यापारी आलम को विश्वास दिलाना चाहता हूं हम लकीर के फकीर नहीं है और हम कभी ये दावा नहीं करते सब ज्ञान हमको ही है, लेकिन सही दिशा में जाने का प्रयास है. जहां कहीं रुकावटें हैं 3 महीने में जो अनुभव आया है उसके आधार पर आवश्यक जो भी बदलाव करना होगा, सुधार करना होगा, ये सरकार आपके साथ है. Zee 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.